अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएफ किचन फूड ज़ायफा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अस्मा, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए न्यू रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी ब्रेड क्यूब। जी हाँ, होममेड चीज़ी ब्रेड क्यूब। आज तक ये कोई ट्रिक आपको नहीं बताए होंगे, तो ये रेसिपी एकदम न्यू है। न्यू ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग मेरे स्टेप फॉलो करके ये रेसिपी को बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी होने वाली रेसिपी है। तो आइए चलिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स। मैंने दो आलू को बॉईल करके रख दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दो आलू को मैंने अच्छे से बॉईल करके रख दिया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक है और 2 पिंच लाल मिर्ची पाउडर है और 2 पिंच हमारा जीरा पाउडर। तो हम इस आलू के अंदर इसको मिक्सचर बना लेंगे इसका अच्छा सा। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 क्यूब्स है हमारे चीज़। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने चॉप करके रख लिया है। और ये है मेरी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने अच्छे से चॉप करके रख लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गाजर, 1 गाजर को मैंने कद्दूकस करके रख लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने, आप चाहे तो मैं यहाँ पर दही का यूज़ कर रही हूँ, मीठा दही है ये। तो मैंने ये 1 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर आपके पास मेयोनीज हो तो मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंद लिया है। जी हाँ, मैदा और आटा मिलाकर उसको मैंने गूंद लिया है, उसका अच्छे से डो बनाकर रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं, मगर मैंने आटा और मैदा दोनों आधा आधा डालकर गूंद कर रख दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, हम आलू का अच्छे से क्रश कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से इसको मसल लेंगे। तो ये अच्छे से एकदम मैश हो चुका है आलू। तो अब हम इसमें मिला देंगे हमारे सूखे मसाले, यानी कि मिर्ची, नमक और ज़ीरा पाउडर। जी हाँ, अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। से देखिए, इसको हम अच्छे से इसके अंदर अच्छे से मसालों में इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। जी हाँ, यानी कि कोथमीर। जी हाँ, मैंने पीसेस करके इसको वॉश करके रख दिया था। थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई कोथमीर फ्रेंड्स। तो अब ये हो गया मिक्सचर हमारा आलू का रेडी। तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर दही। जी हाँ, ये देखिए, अब हम स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर जो हमने चॉप करके रख लिए थे। ये देखिए, फिर मैं डालती हूँ इसमें गाजर कद्दूकस किया हुआ, और यहाँ पर है प्याज, ऑनियन चॉप की हुई। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस दही में मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, तो ये अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, तो मैं इस आटे के अब हम 4 हिस्से करेंगे। देखिए, यानी कि पेड़े, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे। इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। देखिए, अब हम इस 4 डो के, ये देखिए, अब हम बना लेंगे इसकी रोटी। ये देखिए, आप लोग देखिए, 4 रोटी के लिए मैंने पेड़े बनाकर रख लिया फ्रेंड्स। देखिए, तो अब हम एक एक कर इसको बेलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो घर पर आइस क्यूब ट्रे होती है जिसमें हम आइस बर्फ़ जमाते हैं, जी हाँ फ्रिज में, तो ये ट्रे पहले से मैंने इसको धोकर वॉश करके रख लिया था फ्रेंड्स। तो अब हम इसे इस ट्रे को बताएंगे आपको इसको कैसे बनाते हैं। आपको देखिए, रोटी, जी हाँ, अच्छे से बेलूँगी। देखिए, जैसे हम सेम रोटी डेली बनाते हैं वैसी ही रोटी हमको बनाना है। देखिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। देखिए, आप एकदम सर्कल शेप वाली तो नहीं बना, डेली बनाते हैं। देखिए, ऐसा लंबी वाली बना लीजिए। देखिए, देखिए मैं जैसे बना रही हूँ, देखिए एकदम लंबी वाली। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, देखिए, तो मैंने बना लिया है शेप की रोटी। देखिए, तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आइस क्यूब ट्रे। जी हाँ, देखिए, तो अब मैं रखूँगी उसके ऊपर। अब मैं इसको अच्छे से, देखिए, तो अब मैं लगा लूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल। अच्छे से ऑयल लगा कर रख दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम फिर दूसरी वाली रोटी को बेलेंगे, आपको दिखाएंगे। हमने और एक एक रोटी को बेल दिया है। देखिए, रख दिया है। तो अब हम इसका प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी घर पर बनने वाली ब्रेड क्यूब्स हैं। तो देखिए, मैंने हाथ से इसको मिक्स कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम हाथ से ही डालते जाएंगे छोटे छोटे बॉल्स। देखिए, हम रखते जाएंगे थोड़े थोड़े ऐसे छोटे वाले। देखिए, मिनी मिनी बॉल्स जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इस क्यूब्स के अंदर रखते जाएंगे। सेम ऐसे ही करके हम पूरा प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। छोटे छोटे मैंने बॉल्स आलू के पोटैटो के बना लिए हैं। तो अब हम जो इसको चटनी बनाकर रेडी करे थे, ये हम डालेंगे इसके ऊपर से फ्रेंड्स। जी हाँ, देखिए, अच्छे से इसके ऊपर रखते ही जाएंगे हम। देखिए, अच्छे से इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। देखिए, पूरा अच्छे से हम इसको फील कर देंगे। देखिए, इससे अब हम डालेंगे इसके ऊपर हमारा चीज़।
जी हाँ, जो हमने कद्दूकस करके रख दिया था फ्रेंड्स, तो ये डिश बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। जी हाँ, मैंने घर पर इसको बनाया है, घर पर, तो इसलिए मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। फिर हम डाल देंगे इस रोटी को इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब हम अच्छे से इसको लगा देंगे। देखिए, देखिए, अब हम इसको अच्छे से पलट देंगे यहाँ पर। देखिए, तो पलटा लेंगे इस ट्रे को। देखिए फ्रेंड्स, तो ये बन चुकी है ना हमारी ब्रेड। तो अब हम इसको कटर की मदद से इस साइड से निकालेंगे। देखिए, देखिए इस साइड से अब हम इसको निकालेंगे, इस साइड से इस आटे को निकालेंगे। जी हाँ, देखिए इस ट्रे के शेप से अब हमको कट करना है फ्रेंड्स। देखिए, अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। गैस के ऊपर एक पैन को रख दिया है, गैस को ऑन करके, तो इसमें मीडियम तेल ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं ये डाल रही हूँ जिस ब्रेड को हमने बना लिया है फ्रेंड्स। देखिए, उसको हम आहिस्ता उठा लेंगे। अब हम उसको रख देंगे इसमें फ्राई होने के लिए। देखिए, इसमें बहरवान रही है। देखिए, आप देख सकते हैं गैस के फ्लेम को स्लो रख दीजिए। देखिए, उसको आहिस्ता फ्राई होने के लिए रख दीजिए। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे, पलटा लेंगे। बहरवान रही है, आहिस्ता से हम पलट देंगे उठाने की मदद से, तो काम कर लेंगे। देखिए, और हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा आ चुका है, बादामी कलर की है। तो एकदम बहुत ही खुश होती है, बहुत ही टेस्टी घर पर बनती है, होम मेड भी है फ्रेंड्स। देखिए, अब हम इसका इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके निकाल लिया है, तो अब हम सेम प्रोसेस नेक्स्ट का करेंगे। नेक्स्ट भी हमें इसी अच्छे से दे लिया है, सेम प्रोसेस कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालते जाएंगे साल्ट पोटैटो के बॉल्स बनाकर छोटे छोटे। जी हाँ, देखिए हाथ से मैं छोटे छोटे डाल रही हूँ। अगर आपके पास आइस क्यूब की ट्रे जो थोड़ी बड़ी हो तो आप ले लीजिए। तो मेरी सर्कल टाइप की है बीच में, तो इसीलिए मुझे छोटे छोटे बॉल्स बनाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो बनी ना न्यू वाली डिश, न्यू वाली रेसिपी है ये। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, इन्जॉय कीजिए। जी हाँ, बर्गर पिज़्ज़ा जैसे हम घर पर बनाते हैं, वैसे ये भी घर पर बन जाती है इजीली। न्यू वाली ट्रिक है, मैंने रात में ही घर पर ट्राई किया था, इसलिए मैंने आपको अभी शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को। तो चलिए, अब हम डाल देंगे इसके अंदर हमारी सॉस। ही देखिए, इसको सॉस भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं, आप जो चाहे वो। देखिए, तो अब हम ये डालेंगे इसके अंदर, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। देखिए, अब मैंने इसके अंदर अच्छे से पूरा फिल कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसके ऊपर फिर से रोटी। जी हाँ, देखिए अच्छे से बन चुकी है। तो अब हम इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। देखिए, तो अब हम इसको साइड से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, हम ट्रे का साइज ही रखना है, इनको साइड से इस आटे को निकाल लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से कटर की मदद से कट कर दी हूँ। देखिए, तो अब हम इसको साइड से निकाल देंगे। देखिए, तो ट्रे का शेप हो चुका है ना, देख सकते हैं आप लोग भी। ये साइड का बचा हुआ था हम बाद में यूज़ कर लेंगे रोटी बनाने में। तो हमारा पहले से ही पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए, तो अब हम डालेंगे इस ऑयल के अंदर इस ब्रेड को। देखिए, गैस के फ्लेम को स्लो रख दीजिए, उसको फिर से फ्राई होने दीजिए। बादाम कलर देख सकते हैं, हमारी फाइनली रेसिपी रेडी हो चुकी है, चीज़ी ब्रेड क्यूब्स। जी हाँ, चीज़ी ब्रेड क्यूब्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा आपको तो मालूम है, पता है। तो ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो क्या ख्याल है आपका? तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ दिखने में कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से कट करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए, इसके क्यूब्स बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए तो देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है ब्रेड क्यूब्स की। देखिए, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।